कि पैसा रोलता नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा, तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज़। और दोस्तों देखिए, आज इतना ठंडी है, बिल्कुल पूरा दिन, कल भी नहीं निकला, आज भी नहीं निकला, खिचड़ी के दिन थोड़ा दिन सही था। नमस्ते कर लो सब लोग। नमस्ते। क्या कर रहे हैं? तो सब लोग सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, अभी खाना दाल चावल बनाई हूँ, यहाँ चाय पी रहे हैं। अंजलि आप चाय कैसा बना है? पीवे नहीं करी, जरता है चाय, बता देती है सही बात, नहीं पहले नहीं पी रहती थी तभी कहती थी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम सब चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर अगले वाले क्लिप में मिलते हैं आप सबसे। तो तेल डाल दी हूँ कढ़ाई में, तेल हमारा गर्म हो गया, यहीं पे डाल देंगे जीरा। आज बनेगा आलू टमाटर का सब्जी। सब चाय नाश्ता कर लिए हैं, आ गई किचन में। यहाँ पर गुंजन रोटी बना रही हैं, दाल हमारा पक गया है और चावल भी पक गया। यहीं पे डालेंगे प्याज को, भून गया है, यहीं पे डाल देते हैं मसाला को। मसाला हमारा पक गया है, यहीं पे आलू को डाल देती हूँ। आज आलू और टमाटर का सब्जी बन रहा है। यहाँ रोटी गुंजन फुला दी है, तो तड़का पैन में टमाटर पहले से आज फ्राई करके रखा गया है। यहाँ तड़का पैन का टमाटर भी डाल देती हूँ। तो यहीं पे नमक डाल देते हैं, नमक को मिला देते हैं सब्जी में। आज नमक लगता है ज्यादा मैं डाल दी, क्योंकि दिमाग स्थिर नहीं रहता है। अभी तो खाना बना लेते हैं। तो दोस्तों खाना बना लिए हैं, यहाँ आ गए हैं अलाव के पास, और आज धान का सफाई कर रहे हैं। बहुत कूड़ा हो गया है, जो बचा था खेत से बाहर के लाई थी, साफ नहीं की थी, वैसे रखी हुई थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज साफ कर रही हूँ। धान में बहुत मिट्टी है, तो दोस्तों धान में मिट्टी अधिक है। देखिए मिट्टी निकालने का आसान भी है, कुछ इस तरह आसान क्या है, लेकिन हर काम करो तो सब आसान रहता है। तो यहाँ पर मिट्टी सब इतना है धान में कि बीनना नहीं जाएगा, तो यहाँ पर मिट्टी को हम निकालने के लिए कुछ इस तरह बेलन की सहायता से मिट्टी को फोड़ रहे हैं। एक बार साफ कर ली थी धान, देखिए कुछ इस तरह मिट्टी फूट जा रहा है, धान साफ हो रहा है। यहाँ टप में रख रहे हैं उठा के, तो इसी तरह सभी देखिए, इस वाले धान में मिट्टी है लेकिन धूल नहीं है। अभी ये धूल बन जाएगा जब इसको बेलन से प्रेस, तो बेलन से इसी तरह मिट्टी टूटता है धान भी। तो दोस्तों यहाँ पर तीन लोग मिलके मिट्टी की फड़ाई कर रहे हैं, और कुछ इसमें सीमेंट भी मिला है, तो सीमेंट नहीं टूटता तो उसको निकाल देते हैं हाथ से। तो बहुत मेहनत करके चादनी लगी है गिलास के थोड़े में, बेलन एक ही है, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना काम कर रहे हैं। तो मिट्टी निकालने का ये देसी जुगाड़, कुछ इस तरह मिट्टी निकाल के रखे हैं, अभी इसको पछोला जाएगा, इसमें से बहुत मिट्टी धूल निकलेगा। तो दोस्तों वहाँ मिट्टी निकाल के आ गई, यहाँ पर साफ कर रहे हैं। इसमें बहुत सारा ये पहिया निकल रहा है जिसमें चावल नहीं है, वही निकाल रहे हैं। हमारी एक दो भाई हैं या बहन है, बोलते हैं दुलारी भैया का रूटीन दिखाया करो क्या करते हैं, तो देखिए ये दुलारी भैया हमारे काम में लगे हैं। तो देखिए कुछ इस तरह ये धान का पहिया निकल रहा है, इसमें चावल ही नहीं है, ये सब मारा गया है, इसमें चावल नहीं बना। तो वहाँ चंदन के पापा साफ कर रहे हैं, और रहता है चावल। हाँ, और यहाँ अंजलि देखिए कटोरी में क्या भून भून के रख रही है गिलासे में,
धान की भुनाई हो रहा है, लावा निकल रहा है, सब अपने काम में लगे हैं, कर रहे हैं, पछोर रहे हैं। तो इतना धान निकाली, बाकी सब पहिया निकल रहा है। बिंदी भी नहीं लगाई, सिंदूर तो लगा है। तो यहाँ पर क्योंकि ठंडी में मन ही नहीं करता, काम तो एक दो किए, ये धान वाला तो देखिए इतना बड़े बड़े हो गए, लेकिन इन सबका आदत बहुत खराब है, लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, लड़ाई हो। एक बहन हमारी लिखी है, संगीता वाशिंग मशीन ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम दीदी से कहना चाहते हैं, वाशिंग मशीन देखा जाएगा कब लेंगे, चंदन का समय कभी टाइम आएगा तो चंदन खरीदेंगे, हम सब तो नहीं खरीद पाएंगे। और इसके पीछे आप सब समझ गए होंगे क्या रीजन है क्या नहीं है। तो कुछ आगे क्या कहें, कहने लायक है ही नहीं कुछ। तो यहाँ अलाव ताप रहे हैं, अब बहुत सारा शिकायत आता है चंदन के पापा काम नहीं करते, काम पे जाना चाहिए। तो सही बात है दोस्तों, अब क्या करें तो करें, क्या करें, अब घर में झगड़ा करें, विवाद करें, उनसे लड़ाई करें, वीडियो अपलोड करें, आप सबके पास भेजेंगे तो आप सब भी। तो कुछ लोग चंदन के पापा के सपोर्ट में हैं, कुछ लोग हमारे सपोर्ट में हैं, तो हमको गलत बोलेंगे, उनको भी गलत बोला जाएगा, कोई कहेगा संगीता अच्छा काम कर रही, कोई कहेगा बुरा काम है। तो जीने का सबका हक है दोस्तों, आबाद अपना ज़िंदगी सब जिए जैसा जीना चाहता है, दबाव नहीं बनाना चाहिए ना गुलाम बनाना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, ये हम बहुत दिनों से बहुत समस्या से जूझती, अगर इतना ही ध्यान देते तो आप सब देखे होंगे पिछला हमारा वीडियो, आज 3 साल हो गया जब 2-4 वीडियो क्या 1-2 महीना अपलोड की थी शुरुआती दौर में। तो अगर इतना वो होते तो हम क्यों इतना परेशान होते। देखिए चैनल पे आने के बाद में कई लोग गलत भी बोलते हैं, कई भाई बहन बहुत अच्छा तारीफ करते हैं मेरे काम को लेकर, सराहना करते हैं, कई लोग बहुत सारा बातें सुनाते हैं, कई लोग बहुत ख़राब बातें सुनाते हैं, लिख कर जाते हैं। तो क्या करें, जिस तरह ज़िंदगी कट रहा है सबका सहना है, सुनना है और आगे बढ़ना है। मैं यही कहूँगी अपनी तरफ से, तो मेहनत मैं डेली करती हूँ, जो भी हमारा बन पड़ता है फिर भी करती हूँ। और शुरुआत का वीडियो आप सब देखे होंगे, हमने कितना मेहनत किया, हम कभी बहुत बैठकर नहीं खाना चाहा, काम करती रही। और अब थोड़ा तबीयत हमारा ख़राब रहता है तो परिस्थिति के साथ चलना पड़ता है, जिस तरह समय आता है उसके साथ जीना भी पड़ता है। तो वही हाल हमारा है दोस्तों, तो बताना मैं कोई बात गलत बोली हूँ। तो दोस्तों पूरा धान साफ कर दी, और यहाँ पर कुछ ये सब कूड़ा पारा है तो भी साफ करेंगे, क्योंकि दिन के यहाँ 12 बज गया तो खाना का टाइम निकल जाता, तो पहले खा लेते हैं फिर साफ करते हैं। और कोई ख़राब चीज़ थोड़ी है, धान ही है, पुआल है। 2 कटोरी में दही रखा हुआ है। तो दोस्तों खाना खा लिए हैं, यहाँ का झाड़ू भी लगा दी, सब इकट्ठा कर दी और पीछे रख दी तापने के लिए उधर साइड। यहाँ 2 अमरूद है, तो अमरूद लाए हुए कई दिन हो गया, तो देसी वाला अमरूद है, यहाँ फिर भी हमारे यहाँ 30 रुपया किलो मिलता है। ये लो तो इसमें 3 लोग का है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, तो छिलका निकाल दे रहे हैं, छिलका बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है अमरूद का। तो एक संतरा में पूरा 5 लोग खाए, चंदन कैमरा के पीछे खा रहे हैं। संतरा कैसा है? अच्छा है, सब अच्छा, खा लीजिए संतरा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना। तो दोस्तों कमेंट आया था, सभी भाई बहन बहुत अच्छे से कमेंट किए कल वाले वीडियो में, सबको तहे दिल से धन्यवाद।
एक तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मस्त नमस्ते, मस्त नमस्ते।